Once again, class, good morning. Myself, Pritesh Krishna Srivastava. I'm an assistant professor at DVED University. I'm from the Department of School of Management. And we are recording the lectures of Advanced Financial Management. So today's topic is the role and responsibility of senior financial executive or advisor. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये पता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट में हमारे पास कुछ एक की मेंबर होते हैं जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेयरपर्सन सीईओ सीएफओ ठीक है ये सारे कुछ एक मेंबर होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें जो पहले के टाइम में था तब सीएफओ जो कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है जिसका पूरा का पूरा टास्क यही रहता है कि वो पूरे बिजनेस के फाइनेंशियल को कंट्रोल करेगा उनको मैनेज करेगा कौन कौन से सोर्सेज हैं फंड के जहाँ से फंड अवेल करा जा सकता है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से अलग अलग कोलाबोरेशन है ये सारी चीज़ें हैं ये जनरली चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का टास्क है। इनिशियल बिजनेस एज में ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की एज सच कोई जॉब नहीं होती थी। बेसिकली ये सारे के सारे टास्क कंपनी के एग्जीक्यूटिव मेंबर या जो प्रमोटर होता था वही ये परफॉर्म करता था। लेकिन आज के टाइम में जहाँ कंपटीशन हाई है मार्केट ज़्यादा एस्टैब्लिश हो रही है ऑर्गेनाइज हो रही है जहाँ पर आप नेगोशिएट कर सकते हो अलग अलग आपके पास प्रोसेस हैं सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड कैश मैनेजमेंट के लिए तो अब एक कोर डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ी जहाँ पर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का यही टास्क है कि वो अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के साथ में और नेगोशिएशन के साथ में मार्केट के क्रॉस बॉर्डर में भी कि कहाँ कहाँ पर फंड की सप्लाई कहाँ से हो सकती है कहाँ पर आसानी से टर्म्स और कंडीशन में फंड अवेलेबल है उन सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम करता है। तो सीएफओ जनरली ऑर्गेनाइजेशन में या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ये फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का हेड होता है और ये एक पूरा डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस को कंट्रोल करती है उनकी मॉनिटरिंग करती है एनालिसिस करती है पेमेंट या इनफ्लोज और आउटफ्लोज को कंट्रोल करती है। अब ब्रॉड कैटेगरी में अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम इसके अंडर में दो पोजीशन क्रिएट होती है एक तो फाइनेंशियल मैनेजर की पोजीशन क्रिएट होती है और दूसरा अकाउंट्स मैनेजर की क्रिएट होती है। फाइनेंशियल मैनेजर का टास्क ये होता है कि ये जितने भी फाइनेंसिंग हैं ठीक है उनको कंट्रोल करें उनको मैनेज करें ठीक है उनका एस्टिमेशन करें और साथ में एनालिसिस या फोरकास्टिंग भी कर सके। तो फाइनेंशियल मैनेजर के कुछ एक टास्क है बजट डिसीजन मेकिंग है बजट हमें पता है जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बजट है उसमें जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको फंड या रिसोर्सेज एलोकेट करे जाते हैं वो फंड कितना एलोकेट करना है उनकी पीरियोडिसिटी कितनी है कितने टाइम के बाद उनको फंड की रिक्वायरमेंट होगी उस फंड का यूटिलाइजेशन किस तरीके से होना है ठीक है। तो ये बजट डिसीजन है और बजट डिसीजन जनरली पहले की तरह नहीं कि हमें बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए प्रिपेयर करने होते हैं अब बजट जनरली ईयरली या सिक्स मंथली और कुछ एक जहाँ पर फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है जैसे प्रोडक्शन बजट को अगर आप फंड एलोकेट कर रहे हैं वहाँ पर क्वान्टिटी आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यहाँ पर बजट्स हमारे पास मंथली और शॉर्टर ड्यूरेशन के हो सकते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट को कितना फंड्स अवेलेबल करवाना है ठीक है उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ठीक है वहाँ से क्या डिमांड आ रही है कि आप उनको फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं ये सारा का सारा बजटिंग डिसीजन में आता है। कैश मैनेजमेंट ये एक और कोर पार्ट है। कैश मैनेजमेंट हमें पता है कि कैश एक लिक्विड एसेट है जिसका ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑप्टिमल नंबर में आपके पास कैश होना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैश है तो भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉब्लम है लिक्विडिटीज इशू आते हैं क्योंकि आप फंड का सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं और अगर आपके पास कैश नहीं है ठीक है तो कॉस्ट ऑफ इलिक्विडिटी मेरे को पे करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन को बेयर करनी पड़ेगी जहाँ पर उसके पास सफिशियंट कैश ना होने के कारण कुछ एक इश्यूज आ सकते हैं जैसे वो सप्लायर से नेगोशिएट नहीं कर सकता बल्क परचेसिंग नहीं कर सकता सैलरीज एक्सपेंसेस मेंटेनेंस वहाँ पे उसको सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो कैश मैनेजमेंट में भी हम लोग बेसिकली इसी तरह से ही देखते हैं कि हमारे पास जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं ठीक है उनमें से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो किस तरीके से सिंक्रोनाइज होगा
मुझे कब कितना कैश इनफ्लो आएगा, मुझे कब कब आउटफ्लो देना पड़ेगा, क्या इसके अलावा मेरे पास अगर कोई डिफिसिट है तो वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से मैं फंड अरेंज कर सकता हूँ, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होना चाहिए या लॉन्ग पीरियड के लिए होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपका कैश मैनेजमेंट है। तो कैश मैनेजमेंट बेसिकली हमारे पास एक तरह का, आपके पास एक स्ट्रैटेजिक प्लान है, एक मैट्रिक्स हम प्रिपेयर करेंगे जहाँ पर हम सोर्स और एप्लीकेशन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर हमारे पास वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं जहाँ से मैं कैश को अवेल करवा सकता हूँ और उनका एप्लीकेशन मैं उनको किस तरह से यूज करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें कंट्रोलिंग में भी हेल्प करेगी, क्या जो आपने कैश इशू करा है अलग अलग डिपार्टमेंट को, क्या वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें कैश मैनेजमेंट के लिए। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम अपनी एक्टिविटीज को तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग है, और तीनों ही एक्टिविटी में कितना कैश इन्वॉल्व हो रहा है, इनको आउटफ्लो हो रहा है, तो ये भी फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये प्रॉपरली हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे भी एनालाइज या फोरकास्टिंग कर सकते हैं, प्लस जो भी इनके सप्लायर हैं या जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे ये प्रायोरिटी पे उनकी रिक्विजिशन या कैश की रिक्वायरमेंट का भी प्रॉपर एनालिसिस और उन पर माइन्यूट एनालिसिस करते रहते हैं। इसी तरह क्रेडिट मैनेजमेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट भी एक क्रूशियल टास्क है। क्रेडिट मैनेजमेंट, हमें ये पता है कोई भी बिजनेस है आज की डेट में अगर बिजनेस कर रहा है वो, तो प्योरली कैश पे बिजनेस नहीं होता, आपको कहीं ना कहीं से या तो बोरो करना पड़ेगा या अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट सेल्स भी करनी पड़ेंगी। तो जो क्रेडिट सेल्स हो रही है तो उनका मैनेजमेंट किस तरीके से होना है, मैं उनको कितना टाइम पीरियड अलाउ करूँ जिसमें मुझे पेमेंट वापस मिल जाए, सर्कुलेशन में आ जाए। ठीक है, तो उनका वर्किंग कैपिटल लाइफ साइकिल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का फाइनेंसिंग बेसिकली ये क्रेडिट मैनेजमेंट में आएगा, जहाँ पर हम ये चीज़ देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन उन सारी चीज़ों को किस तरीके से मेंटेन करेगा। ठीक है, इसी तरह एक और टास्क है कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट। ठीक है, ये एक मेजर टास्क है। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमें पता है कि हम बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट किस में होता है, वो जनरली लॉन्ग टर्म एसेट्स में होता है, और लॉन्ग टर्म एसेट्स यानी प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट, इनसे मिलने वाले जो बेनिफिट होंगे वो फ्यूचरिस्टिक होंगे और वो रुक रुक करके आएंगे। इकट्ठा आपने जो इन्वेस्टमेंट करा है वो आपको तुरंत रिडीम नहीं होगा, उससे जो आपको इनफ्लोज होंगे कैश के, ठीक है, वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में आपको विजिबल होंगे। ठीक है, वो 5 साल 10 साल 15 साल हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लान करते हैं ये लोग, उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की अलग अलग टेक्निक्स भी लास्ट सेमेस्टर्स में स्टडी करी होंगी, जिसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो, नॉन डिस्काउंटिंग कैश फ्लो के बेसिस पे हम प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी का एनालिसिस करते हैं और ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या मैं उसमें इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट यहाँ पर ये है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट में बेसिकली हम यही इवैल्यूएट करते हैं कि करेंट डेट में मेरे पास से कितना कैश आउटफ्लो होगा और उससे रिलेटेड बेनिफिट मुझे कब कब कितने क्वांटिटी में या कितनी इंटेंसिटी से मिलेंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है। इसी तरह अकाउंट्स मैनेजर डिप्यूट करते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं और उसके लिए जितने भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है या मॉनिटरी इक्विवेलेंट ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है और उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी होने चाहिए। तो अकाउंट्स मैनेजर के जितने भी हमारे पास कैश या रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, कैश इक्विवेलेंट एक्टिविटीज हैं, उनको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए आपको अकाउंटिंग के बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसमें मैचिंग प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा, लेजर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम क्वार्टर एंड पे या ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, और जिससे हमें ये पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी या ऑर्गेनाइजेशन की स्टैंडिंग कितनी है। हमें पता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स मेजरली गवर्नमेंट को भी डिस्क्लोज करने होते हैं, एक्सटर्नल पार्टीज भी इंटरेस्टेड रहती हैं, क्योंकि ये आपका ट्रू वैल्यूएशन इसी चीज़ से होता है, प्रॉफिटेबिलिटी का, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का, ज्योग्राफिकल रीचेबिलिटी का, रेवेन्यू का। ठीक है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज का हमें यहाँ से एक आइडिया मिल सकता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर के लिए भी ज़रूरी है, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर के लिए।
एक्सटर्नल यूजर इसमें बेसिकली क्या होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स होंगे आपके सप्लाई चेन में, ठीक है, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके रिसर्चर हो सकते हैं जिनको कुछ रिसर्च करना है, ठीक है, तो ये सारे लोग हैं जो आपके स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे, ठीक है, तो आपको प्रॉपरली इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। हम लोग लास्ट क्लासेस में भी ये देख चुके हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं कई तरह के होते हैं, ठीक है, और मेजरली 5 मेजर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ठीक है, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट है, चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट है, और लास्ट में नोट्स हैं, ठीक है, तो ये 5 हमारे लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टेटमेंट है जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। टैक्स मैनेजमेंट भी अकाउंट्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आपको गवर्नमेंट को कितना कब कब किस तरह का टैक्स पे करना है, ठीक है, उसका सही वैल्यूएशन करना है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको टैक्स मैनेजमेंट के थ्रू होगी, ठीक है, तो गवर्नमेंट का टैक्स सॉरी ऑर्गेनाइजेशन का अपना टैक्स डिपार्टमेंट है, ठीक है, जब वो ये यहाँ पर कैपिटल मिक्सिंग के थ्रू भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि वो कितना टैक्स सेव कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन टैक्स इवेड नहीं करना चाहती, वो टैक्स सेव करना चाहती है, तो टैक्स सेविंग एक लीगल एक्टिविटी है, जबकि टैक्स इवेशन इलीगल एक्टिविटी है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टैक्स मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो सही जगह से या सही सब्सिडाइज रेट पे या गवर्नमेंट की पॉलिसी का सही यूटिलाइजेशन करके वो या अपने कैपिटल स्ट्रक्चर का प्रॉपर मैनेज करके किस तरीके से टैक्स को सेव कर सकता है और अपना वेल्थ क्रिएशन में हेल्प दे सकता है या वेल्थ को ज़्यादा मैक्सिमाइज कर सकता है, तो टैक्स डिपार्टमेंट भी हमारे लिए होगा, ये भी अकाउंट्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिट कराती है, ठीक है, आजकल ये बहुत आम हो गया है, ठीक है, कि ये बोला जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को ट्रांसपेरेंट रखिए, ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ कंपनीज हैं, ठीक है, जो सी ए की फॉर्म्स हैं या अकाउंटिंग फॉर्म्स हैं जहाँ से आपको अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट को वैलिडेट करना पड़ता है, आपने कोई इलीगल डॉक्यूमेंट या अपने एसेट्स को इनप्लीट या डिप्लीट करके तो नहीं शो करा हुआ है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है या गवर्नमेंट के टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से ऑडिटिंग नहीं कराई हुई है तो आपके में भी पॉसिबल, और ऑडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें आपने विंडो ड्रेसिंग कर रखी है, हाइड कर रखी है, तो आपके ऊपर हो सकता हो लीगल एक्शन भी हो, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि वो ऑडिट कराए। ऑडिटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की हो सकती है। इंटरनल ऑडिटिंग में बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी फाइनेंशियल से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करता है, ठीक है, और जितने भी स्टोर्स में चीज़ें हैं या जो एसेट है उनका सही वैल्यूएशन करना, फिजिकल चीज़ों को जो ऑन पेपर लेजर है उससे मैच करना, क्या वो उतना ही है कि नहीं है जितना आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फाइनेंशियल अकाउंट्स में बुक ऑफ अकाउंट में मेंशन कर रखा है, तो ये इंटरनल ऑडिट का प्रोसेस है जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे परपेचुअल बेसिस पे वेरीफाई करते रहना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिट अलग चीज़ होती है जिसके लिए आपको सीए या किसी अकाउंटिंग फर्म का यूज़ करना पड़ेगा जो आपके अकाउंट स्टेटमेंट को वेरीफाई या वैलिडेट करेगा। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के बेसिकली यही टास्क हैं, ठीक है, जहां पर वो कैश या कैश से रिलेटेड इनफ्लोज आउटफ्लोज जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फंड है, उनका डिप्लॉयमेंट किस तरीके से करना है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ मैक्सिमाइज हो और ट्रांसपेरेंसी भी चलती रहे, प्रॉपर स्मूथ रहे, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का ये मेजरली टास्क है और ये एक मेजर डिपार्टमेंट हो सकते हैं। अब किसी भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के दो तरह के काम हैं, एक ट्रेजरार फंक्शन है जहां पर वो ये इंश्योर करता है कि जो फंड अवेलेबल है वो सही तरह से यूटिलाइज हो रहा है, उनको फंड का सही तरह से एलोकेशन हो रहा है, ठीक है, और एज अ कंट्रोलर फंक्शन भी आप यूज़ करोगे, कंट्रोलर में आपने जो फंड एलोकेट कर दिए हैं
उनका यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है, और जो आपके क्रेडिटर्स हैं क्या डेटर्स हैं, क्या उन्होंने आपको प्रॉपर तरीके से आपका जब जब टाइमली रिक्वायर्ड था आपको कैश प्रोवाइड कराया कि नहीं कराया, या ऑर्गेनाइजेशन की जो भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है वो प्रॉपर तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, उनको मीट आउट कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। तो ट्रेडिशनल फाइनेंस डिपार्टमेंट में बेसिकली दो तरह के जॉब होते थे, एक ट्रेजरर फंक्शन, ठीक है, जो ऑथराइज होता था फंड को इश्यू करने के लिए, और कंट्रोलर फंक्शन जो ये चेक करता है जो इश्यूड फंड है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उनमें कोई फ्लॉज या कुछ और तरह के इश्यूज को नहीं आ रहे हैं। अब कुछ और भी चीजें हैं जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी फाइनेंस मैनेजर के लिए, ठीक है, जैसे अरेंजिंग लॉन्ग टर्म फंड है, ठीक है, लॉन्ग टर्म फंड में हमें पता है कि मार्केट अवेलेबल है, ठीक है, जहां पर आप डेट या इक्विटी में किसी भी कॉम्बिनेशन में फंड को एलोकेट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सबकी अलग अलग कंडीशन है। अगर हम इक्विटी मार्केट से फंड रेज कर रहे हैं तो मुझे किसी प्राइमरी मार्केट में जाना पड़ेगा, IPOs इशू करने पड़ेंगे और उसका एक प्रोसेस है, ठीक है, आपके इश्यूज सब्सक्राइब हो रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो रेस्ट ऑफ द इश्यूज को कौन परचेज करेगा, मुझे कितना परसेंट लिक्विडेट करना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इक्विटी के थ्रू आती हैं। डेट में क्या आता है कि हम किसी एक फिक्स ड्यूरेशन के लिए किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या नॉन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन या किसी प्राइवेट लेंडर से एक लॉन्ग टर्म में फंड को बोरो करते हैं और उस पर मेरे को एक पीरियोडिकल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पे करना पड़ता है, वो इंटरेस्ट के फॉर्म में होता है, आप रेगुलर बेसिस पे इंटरेस्ट पे करोगे। तो अगर मैं कहीं से डेट कैरी कर रहा हूँ तो उनकी टर्म्स और कंडीशन क्या है, क्या मेरे से कोवेनेंट बॉन्ड फिल करा रहा है कि नहीं करा रहा है, किस रेट पे मेरे को मिल रहा है, उसका इफेक्टिव रेट कितना आएगा, इसका टैक्सेशन पे या कैपिटल मिक्सिंग पे किस तरीके से फर्क पड़ेगा, या शेयर होल्डर का वेल्थ किस तरीके से मैक्सिमाइज होगा, ठीक है, और किस रेट से मैं अवेल करा रहा हूँ, ठीक है, किस टाइम ड्यूरेशन में चाहिए, उसका पेमेंट कैसे होना है, कोवेनेंट बॉन्ड है कि नहीं है, जिसमें मे बी पॉसिबल कोई कंडीशंस हैं लेंडर ने मेरे ऊपर तो नहीं इम्पोज कर रखी हुई है। तो अरेंजिंग लॉन्ग टर्म फंड में हम इसी तरह की चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजर इसी तरह के एन नंबर ऑफ सोर्सेज में फंड कितना चाहिए, कहाँ से मेरी टर्म्स और कंडीशन में, ऑर्गेनाइजेशन की टर्म्स और कंडीशन पे फंड ईजिली एलोकेट करा जा सकता है, जिसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी मिनिमाइज करी जा सके, क्योंकि जब कभी भी आप किसी भी सोर्स से फंड अवेल करोगे तो आपको कुछ ट्रांजेक्शन या ब्रोकरेज कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, ठीक है, फ्लोटिंग कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन इन कॉस्ट को भी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये कॉस्ट जितनी कम से कम रहेंगी, ठीक है, या इंटरेस्ट कॉस्ट जितनी कम से कम रहेंगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस उतने रहेंगे। तो सही सोर्स क्या है लॉन्ग टर्म का, वो चीज़ हमें ध्यान में देनी है। एक और चीज़ है जो प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी आप लॉन्ग टर्म फंड अवेल करोगे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से, चाहे डेट के फॉर्मेट में, चाहे इक्विटी के फॉर्मेट में, चाहे बॉन्ड के फॉर्मेट में, ठीक है, तो आप हमेशा ट्राई ये करते हो कि आप उसको लॉन्ग टर्म एसेट में ही डिप्लॉय करो, ठीक है, ताकि आपका सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रहे। फिर इसी तरह एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शॉर्ट टर्म फंड मैं किस तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। तो शॉर्ट टर्म फंड में कई तरह के हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं कि आप अपने कस्टमर को, अगर आपका इंडस्ट्रियल कस्टमर है तो आप क्या काम कर सकते हैं, एडवांसेस ले सकते हैं, ठीक है, या आप सप्लायर से रॉ मटेरियल ले रहे हैं तो उससे कुछ टाइम पीरियड ले सकते हैं जहाँ पर आप क्रेडिट में मटेरियल परचेज कर रहे हैं, बैंक की ओवरड्राफ्ट लिमिट है, क्लियर, आप शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म से यहाँ पे मतलब है ऐसे जिनका टाइम ड्यूरेशन एक साल या उससे कम है, ठीक है, और जिस इस ड्यूरेशन में आपको वो फंड को रीपे करना पड़ेगा, यानी आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको रीपे करना पड़ेगा। तो वो सही सोर्स क्या है, और जनरली जब कभी भी हम शॉर्ट टर्म फंड अवेल करते हैं तो हम उसको वर्किंग कैपिटल के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, यानी प्रोडक्शन एक्टिविटीज के साथ या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ ही हम उसको सिंक्रोनाइज करेंगे या उस फंड को वहीं पर ही इन्वेस्ट करेंगे, ताकि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर सकें और आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क ज्यादा ना आए। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है कस्टोडियन। कस्टोडियन एज अ कस्टोडियन फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑथराइज सिग्नेटरी कौन रहेगा, फंड की
सिक्योरिटी सेफ्टी किस तरीके से रहेगी, फंड कहाँ कहाँ पर एलोकेट करना है, ये सारी चीज़ कस्टोडियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह क्रेडिट मैनेजमेंट है, क्रेडिट मैनेजमेंट का यही मतलब है जो आपके डेटर्स हैं उनसे फंड किस तरीके से रिकवर करना है, क्रेडिट पॉलिसीज किस तरह से होनी है, कलेक्शंस और फॉलो अप किस तरीके से होना है, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है या उसकी फंड रिक्वायरमेंट है वो टाइमली और एक्यूरेटली फुलफिल हो सके। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है, हमें ये पता है कि कैश क्या है, ये एक आइडियल एसेट है, अगर आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो वो अनप्रोडक्टिव रहता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई सरप्लस पैसा है, कुछ सरप्लस अमाउंट है, ठीक है, तो वो किसी भी प्रोजेक्ट में उसको इन्वेस्ट कर सकता है। वो प्रोजेक्ट हो सकता हो ऑर्गेनाइजेशन का ही एक्सपेंशन पॉलिसी हो, मे बी पॉसिबल किसी स्टार्टअप बिजनेस को फाइनेंस कर रहा हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सीड कैपिटल प्रोवाइड कर रहा हो, या किसी को लोन दे रखा हो, या इवेंचुअली किसी शेयर में 6 महीने 1 साल या जितने भी ड्यूरेशन के लिए उसको फंड आइडल मोड में है, अगर उसका एस्टिमेट वो प्रॉपरली कर पाता है तो उस फंड को वो प्रॉपरली इन्वेस्ट करेगा ताकि वो टाइम ड्यूरेशन के साथ मल्टीप्लाई होता रहे। ये हमें भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा, फाइनेंशियल मैनेजर जब कभी इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखता है कि जहाँ कहीं पे भी वो उस फंड को इन्वेस्ट करेगा तो उसकी ज़रूरत उसको वापस कब पड़ेगी, क्या ज़रूरत जब पड़ेगी तो क्या वो उस इन्वेस्टमेंट को रिडीम करा सकता है बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के, ठीक है, वो कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, उसमें एंट्री एग्जिट किस तरीके से हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन या फाइनेंशियल मैनेजर इन सारी कंडीशंस को समझता है, ठीक है, कि जहाँ पर उसका मनी भी मल्टीप्लाई हो, लिक्विडिटी भी प्रॉपर हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशंस ना हो, वो सारी चीज़ें हैं। इसी तरह इंश्योरेंस को भी देखता है, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब कभी भी बिजनेस के फिनिश गुड सप्लाई में जा रहे हैं या लॉजिस्टिक्स में जा रहे हैं तो क्या वो प्रॉपर इंश्योर हैं कि नहीं है, क्योंकि इन केस अगर कोई एक्सीडेंट हो जा रहा है, इवन फैक्ट्री में हो जा रहा है या ट्रांजिशन में हो जा रहा है तो उसका लॉस कंपनी पे पूरा का पूरा ना आए। तो इंश्योरेंस किससे कराना है, उसका प्रीमियम कितना होना है, उसकी टर्म्स और कंडीशन या कितने राइडर्स उसमें इम्प्लीमेंट होने हैं, ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस के केस में देखेंगे। तो इंश्योरेंस कवर कितना है, तो इंश्योरेंस कवर सिर्फ फिजिकल एसेट का नहीं, ह्यूमन एसेट्स में भी हम लोग कराते हैं ताकि अगर इन केस फैक्ट्री में या वर्कशॉप में या वेयर हाउस में कोई बाई चांस एक्सीडेंट हो तो आपके पास एक्सीडेंटल कवरेज अवेलेबल रहे और आपको उसका एक रीजनेबल अमाउंट रिकवर हो सके इन केस ऑफ लॉस। गवर्नमेंट को ऑर्गेनाइजेशन को टैक्स पे करना पड़ता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, वो टैक्स ऑब्लिगेशन कब कब रेज होंगे, ठीक है, उनके लिए क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या गाइडलाइंस दे रखी हैं, कितने सेक्शंस हैं, कहाँ कहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन हो सकता है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें सब्सिडाइज हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें टैक्स एंड कंप्लाइंस में हमारे पास आएगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आएगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का सिंपल ये मतलब है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंट्स हैं, बुक ऑफ अकाउंट है, लेजर्स हैं, वो सारे के सारे प्रॉपरली प्रिपेयर करना, उनकी एक्यूरेसी को टेस्ट करना, ठीक है, उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चेक करना, ऑडिट कराना, ये सारा का सारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पार्ट है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट करेगा। इवैल्यूएशन एंड कंसल्टिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ पर आप जितने भी आपके फाइनेंस फंक्शन है उसको कंटिन्यूसली इवैल्यूएट करते हो, उसको चेक करते हो कि वो सारी की सारी चीज़ें जा रही हैं कि प्रॉपर तरीके से कि नहीं, आपके फंड का इवैल्यूएशन आप करोगे, ठीक है, कि वो सही जगह डिप्लॉय है कि नहीं है। इसी तरह लिक्विडिटी को भी आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, लिक्विडिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को जब कभी भी अपने पास फंड की ज़रूरत है तो उतना कैश उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, अदरवाइज उसको मार्केट पे एडिशनल कॉस्ट पे फंड अवेल करना पड़ेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस की तरह होगा, मतलब उसको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये भी एक फंक्शन है कि उसको कब कब कितने फंड की रिक्वायरमेंट होगी और वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उसके पास कैश के फॉर्मेट में या कैश कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में हमेशा अवेलेबल होने चाहिए। इसी के साथ प्राइस सेटिंग करनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो आपको ये भी टेस्ट करना होगा कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोडक्ट या सर्विस मैन्युफैक्चर कर रही है, सर्विस डिलीवर कर रही है, रेंडर कर रही है, तो उस केस में उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तो ताकि आप सही प्राइस सेट कर सको और सही प्राइस सेट करने पर ही ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी होगी। फोरकास्टिंग करना है, ठीक है, आपको इंटरनल और एक्सटर्नल में फंड की कब कब कितनी रिक्वायरमेंट पड़ेगी,
सोर्सेस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी फाइनेंस डिपार्टमेंट का टास्क है जो यहाँ पर इवैल्यूएट करेगा उन चीज़ों को टाइमली कि फंड की रिक्वायरमेंट कब कब हो सकती है। इसी तरह आज के मॉडर्न सीएफओ की भी कई लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ठीक है, जो लेवल 1 to 5 में डिस्क्राइब करी गई हैं, जहाँ पे लेवल 1 बहुत फंडामेंटल है, जहाँ पर आपको अकाउंटिंग या ट्रेजरी कंट्रोल से शुरुआत करनी पड़ेगी, यानी जो फंडामेंटल अकाउंटिंग का या कैश का इनफ्लो आउटफ्लो का रिकॉर्डिंग है वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा आप मर्जर और एक्विजिशन को भी चेक करोगे। मर्जर और एक्विजिशन का बेसिकली मतलब यहाँ पर यह है कि आप वर्टिकल या डाउनवर्ड एक्वायर करोगे कंपनी को अपने स्ट्रैटेजिक बेनिफिट के लिए, तो क्या ये एक्विजिशन सही है कि नहीं है, फेयर प्राइस पे है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, उससे जो एसेट होंगे चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, वो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए बेहतर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि हम अगर किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं तो किस प्राइस पे करें, उनका शेयर प्राइस क्या होगा, कंपनी का बाद में वैल्यूएशन क्या आएगा, ठीक है। तो ये आपको सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव भी होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन सारे के सारे बिजनेस प्लान्स बनाती है सीईओ के साथ में और ये चेक करती है जो फंड का डिप्लॉयमेंट है वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। इसी तरह इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पॉलिसीज के लिए ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी कि उनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट मिनिमाइज हो सके और उससे रिलेटेड बेनिफिट हाई हो सके, ठीक है, स्टेक होल्डर का ध्यान में रखते हुए। फिर शेयर होल्डर के साथ रिलेशनशिप आपके पास कैसे हैं, ठीक है, कि आप प्रॉपर उनको रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉडर्न सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी पिरामिड में डाउनवर्ड से लेकर के अपवर्ड डायरेक्शन में, जैसे जैसे आप अपर जाते जाओगे तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर डायमेंशन में है, जहाँ कहीं पे भी फाइनेंस या फंड का डिप्लॉयमेंट हो रहा है या पर रिसीव हो रहा है वहाँ पर सीएफओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए, वीडियो प्रिपेयर करने के लिए मैंने इन इन बुक्स को रेफर करा हुआ है जिसमें डॉक्टर आर पी कौस्तगी हैं, पंकज अग्रवाल और नीरज अग्रवाल हैं, रवि किशोर सर हैं स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आई एम पांडे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक प्रोफेसर। थैंक यू क्लास। अगर आपकी कोई क्वारी होती है तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इस क्लास को फर्दर डिस्कस करेंगे 1-to-1। Thank you, guys.